भरोसा रखो, ये जो पहाड़ है ये इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। और हम जो अभी चल रहे हैं एकदम इंडिया बॉर्डर से एकदम क्लोज, तो वो है नेपाल का शहर, वो ये है इंडिया। ये देखो भाई यार, ये क्या है, कितना अमेजिंग है ये। मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर या फिर व्लॉगर यहाँ तक आया होगा। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धारचूला। सुबह सुबह हम एक मिशन पे निकल चुके हैं। मिशन क्या है पहले ये जान लो, फिर बाकी बातें बताता हूँ। मिशन ये है कि हम अपना ब्रश एंड टंग क्लीनर एंड पेस्ट छोड़ आए हैं मुंसियारी में, जहाँ से हम जल्दी जल्दी में भागे थे। उसके बिना तो सुबह की शुरुआत हमसे होगी नहीं, तो हम धीरे धीरे करके धारचूला के सारे दुकानों को छान रहे हैं। भैया टंग क्लीनर है, टंग क्लीनर ऑल्सो। यार अगर आपने नोटिस करा होगा तो मैं अभी चला रहा हूँ वैम्प की हल्क। ओ भाई मेरे बस की नहीं है यार। भाई अपनी तो KTM ही बढ़िया है। भैया टंग क्लीनर है, टंग क्लीनर कहाँ मिलेगा? फाइनली मिशन टंग क्लीनर पूरा हुआ। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू गो, दिस इज द 5th एपिसोड ऑफ दिस उत्तराखंड हिमालयन एक्सपीडिशन। हमारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी है, देख लो, ऑल लोडेड, फुली लोडेड। हम यहाँ पे ठहरे थे होटल हिम टॉप इन पे, जो कि धारचूला पे एंटर करते ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टे काफ़ी अच्छा था, जैसा मैंने आपको रात में बताया। अभी हम यहाँ से जाके चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। कहाँ जा रहा हूँ बाइक पे आके बताता हूँ। भाई देख कहाँ जाना है अपने को, ऊपर। यार यहाँ के नज़ारे देखो, ये जो पहाड़ है कितने ग्रीन है। एंड आप भरोसा रखो, ये जो पहाड़ है ये इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। हमारे जस्ट बगल में एक नदी चल रही है, और उस नदी के जो बगल में जो शहर बसा है वो नेपाल का है, और उससे इधर जो शहर बसा है वो इंडिया का है। बहुत सारे लोगों को तो वैसे पता होगा कि अभी थोड़ा सा, मतलब नॉट दैट मच, बट इंडिया और नेपाल के बीच थोड़ा कुछ ऐसा थोड़ा हो गया था कुछ सीन। बहुत सारी जगह पे जो नेपाल ने मैप डिक्लेयर किया था, उसमें कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि काली गंगा वाला पार्ट था, उस पर नेपाल ने अपना बता दिया था, तो उसके कारण बहुत ही ज़्यादा थोड़ा ऐसा झड़प सा हो गया था। तो ये भाई ये देख लो, ये है इंडिया, ये है नेपाल, और हम जा रहे हैं उसी पार्ट पर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड लैंड, अभी थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए। आई एम नॉट श्योर कैसे क्या हो गया ये। एंड ये सेम रास्ता है, अगर कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है तो ये सेम रास्ता है। एंड छोटा कैलाश वो भी इसी रास्ते से जाते हैं, ओम पर्वत भी इसी रास्ते से जाते हैं, पंचाचूली भी इसी रास्ते से जाते हैं, और धारचूला में जो नारायण आश्रम है वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। ये देख रहे हो आप, ये जो नदी है, इस नदी के उस पार नेपाल है और इस पार इंडिया। मतलब क्या सही है ना, मतलब सोचो। इनसे पूछता हूँ मैं, सर ये पंचाचूली का रास्ता ही है? पंचाचूली यही है ना, सीधा सा। अच्छा ये जो नदी है इसके इधर इस साइड नेपाल है, इस साइड नेपाल है। यही नेपाल है, यही नेपाल है। बड़ा सही है भाई, क्या नदी है यार, रैप्चिक वाले। ये है जगह तावा घाट, घाटी बगड़ रोड, पता नहीं क्या था। और हम जो अभी चल रहे हैं एकदम इंडिया बॉर्डर से एकदम क्लोज, इतने पास किसी भी बॉर्डर के आप शायद ही जा पाओ। इंडिया पाकिस्तान में तो नॉट अलाउड, नॉट इवन 1 किलोमीटर क्लोज टू बॉर्डर आप जा सकते हो, बट ये इंडिया और नेपाल, क्योंकि इंडिया और नेपाल आर काइंड ऑफ वेरी फ्रेंडली कंट्री। अभी बस छोटा मोटा सा चलता रहता है, वो तो भाई नॉर्मल ही है। तो वो है नेपाल का शहर, वो ये है इंडिया। चलते चलते एक और वाटरफॉल मिल गया हमें, हालांकि ये थोड़ा पुल के बीच में है तो हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे। क्या अमेजिंग है देखो, और ये देखो यार, कैलाश मानसरोवर यात्रा की मंगलमय हो। ये तो मुझे प्योर लद्दाख की याद दिला रहा है, एकदम ऐसे ही रोड है, ऐसा ही लैंडस्केप, बस वही है, वहाँ के पहाड़ थोड़े गंजे होते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी होती है।
एक एक झरना आप सबसे ऊपर है। इतने सारे झरने हैं ना यहाँ पे, किस किस को दिखाऊं, किस किस को देखूं। ये देख रहे हो पहाड़ों से एकदम ठंडा ठंडा पानी, एकदम साफ पानी नीचे आ रहा है। और रोड अभी यहाँ पे बन ही रहे हैं। ये देखो, मुझे नहीं लगता कोई और होगा जिन्होंने KTM 390 एडवेंचर को इतनी जल्दी परचेज करके इतना ज़्यादा ऑफ रोड करा हो और इतने तरीके से ऑफ रोड करा हो, ऐसे ऐसे टेरेन्स पे लेकर आया हो। तो जब ये पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो आई डेफिनेटली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन माय ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस विद दिस बीस्ट, लेकिन वो आपको मेरे मेन चैनल पर शायद मिलेगी। सुबह के निकले हुए हैं हम और हमने बस जैसा बताया था नाश्ता वगैरह किया नहीं है, तो आगे छोटा सा एक गांव है तो देखते हैं अगर कुछ खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए। पानी पानी तो वैसे है हमारे पास तो कुछ खा पी लेंगे। और यार ये अभी भी जो आपके बगल में चल रहा है ये नेपाल है और इस साइड इंडिया। भाई यार ये क्या है, कितना अमेजिंग है ये। अरे भाई खतरनाक, पता नहीं कैमरा कितना, अरे क्या फ्लो है, पता नहीं कैमरा कितना दिखा रहा होगा लेकिन अमेजिंग है यार ये तो। दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू अमेजिंग, क्या वाटरफॉल है यार ये तो। ये बॉर्डर एरिया है वरना मैं तो ड्रोन उड़ा के ना भाई आपको क्या खतरनाक शॉट्स दिखाता। देखो यार, ओ भाई अमेजिंग, अनरिवील्ड अनएक्सप्लोर्ड उत्तराखंड। ये देखो, ओहो हो हो, खतरनाक। छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लिया था काइंड ऑफ 20-25 मिनट का, नहीं 15-20 मिनट का, ये फॉल देखने और दिखाने के लिए और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फोटोज लेने के लिए, जो कि आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे और बैम वीडियो 5 के इंस्टाग्राम पे। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है, चलते हैं यहाँ से फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ। एकदम पूरा पूरा नेपाल का याद दिलाता हुआ मुझे, हालांकि नेपाल मेरे सामने है बट ये जो रास्ते हैं ये मुस्तांग के रास्ते भी ऐसे ही थे, छोटे छोटे गांव से होकर जा रहे थे हम। तो यार ये कोई छोटा सा गांव फिर से मिला है हमें, वो तो एंटर होते ही ख़त्म हो गया था। आई होप सो यहाँ कुछ खाने को मिले। मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर या फिर व्लॉगर यहाँ तक आया होगा, मैंने तो नहीं देखा वेखा यार। ये है पांगला, पांगला गांव। खाने में क्या क्या है? चाउमीन और मैगी। मोमो नहीं है? चाउमीन ही खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं। भैया यार आगे क्या है? गुंजी। कितना दूर है यहाँ से? 60-65। और कितना टाइम लगेगा? 4-5 घंटे। वहाँ होटल वगैरह मिलेंगे गुंजी में? लेकिन जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी। सर करीब 1 साल के बाद हमने ऑफ रोडिंग करी है और इतनी ज़्यादा करी है कि पूरी बॉडी सिर्फ मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, 1-2 किलो तो मिट्टी अपने बॉडी पे होगी। सर अभी हम हैं पांगला गांव में और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है चाउमीन। विशेष को खाना मिलते विशेष सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ खाना खाने में लग जाता है। तो अभी यहाँ से हमारी बात हुई लोकल से तो उन्होंने बोला कि आगे और आपको जाने नहीं दिया जाएगा, जहाँ तक जाने दिया जाएगा वहाँ तक आपको ऐसा ही मौसम मिलेगा तो आगे जाके फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ से वापस निकलो। तो अब हम लोग यहाँ से शायद थोड़ा और पता करके यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ खाऊंगा चाउमीन और उसके साथ मैगी। आंटी चाय बन जाएगी? तो चाय भी पी के जाएंगे।
सो वी आर गुड टू गो गाइज। हमने यहाँ पे खाना वाना सब कुछ थोड़ा बहुत खा लिया और अब हम देखते हैं कि अब अगला जो डेस्टिनेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा। रास्ते में वैसे नारायण आश्रम भी पड़ता है तो हम ट्राई करेंगे कि एक बार वो भी देख आएँ। अब वो भी वहाँ जाने को मिलता है कि नहीं मिलता, रास्ता कैसा है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो यार वापस से वही टेरेंस को फॉलो करते हुए अब हम जाएंगे, कोशिश करते हैं नारायण आश्रम जाने की। यहाँ पे तो देख लिया, ऑफ रोड का मज़ा भी ले लिया, एडवेंचर का भी मज़ा ले लिया, एडवेंचर को भी मज़े दे दिए। यार ये जो आप शोर की आवाज़ सुन रहे हो, ये मेरे जस्ट बगल में एक झरना है। हमने अपनी बाइक को मेन रोड से हटकर थोड़ा सा अंदर करा है, थोड़ा ऑफ रोड के मज़े लिए हैं। यहाँ पे मस्त आराम से वादियों के मज़े ले रहे हैं। करीब एक घंटे वादियों के मज़े लेते हुए हमने ख़राब करे ख़राब क्या करे, मज़ा ही आया यार। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और यार एक मज़ेदार बात बताऊँ, यहाँ पे लोग जो हैं वो इंडियन सिम नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि इंडियन कोई भी सिम का नेटवर्क नहीं आता, यहाँ तक कि BSNL का भी नहीं आता, तो यहाँ पे लोग नेपाली सिम यूज़ करते हैं। बताओ यार इंडिया में होके नेपाली सिम, इंडियन सिम वालों तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सुन के? कह रहे यहाँ इंडियन सिम का आता ही नहीं है, एयरटेल BSNL कुछ नहीं आता, यहाँ नेपाली सिम आता है, स्काई करके कोई नाम बताया। बताओ बारिश तो नहीं हो जाएगी भाई? बारिश हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। ऑफ रोडिंग के फुल मज़े। वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको शायद बोला था कि मैं आज नारायण आश्रम जाने वाला हूँ, लेकिन फिर हमने अपना बैठ के स्केड्यूल देखा तो हमें 24 को दिल्ली भी पहुँचना है और उस चक्कर में फिर थोड़ा लेट हो जाता और हमने इधर फोटोग्राफी में बहुत टाइम ख़राब कर दिया। और नारायण आश्रम का रास्ता देखो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब है या सही है, बट आना थोड़ा मुश्किल हो जाता आज वापस। अब हमने सोचा है कि हम यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, वापसी घर वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम कोशिश करेंगे पिथौरागढ़ पहुंचने का। लेट्स सी, पिथौरागढ़ से अगर आगे भी जा सके तो आगे भी चले जाएंगे, होप फॉर द बेस्ट। बहुत मज़ा आया अनएक्सप्लोर्ड उत्तराखंड को एक्सप्लोर करते हुए, मतलब इस वाले पैच के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था, कभी जाना भी नहीं था, हालांकि आगे और जगह है देखने लायक। और ये साथ साथ नेपाल चलता हुआ हमारे, अगर आप अचानक से इस वीडियो पे आ गए हो तो मैं बता दूं कि ये जो है रोड ये इंडिया की है और ये जो पहाड़ है ये नेपाल का है। तो दिस इज़ द रिवर विच डिवाइड्स इंडिया एंड नेपाल, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, और ये सबसे क्लोज आप किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ हो सकते हो, तो यही है मेरे ख्याल से। इसके अलावा तो आप इंडिया पाकिस्तान के 4-5 किलोमीटर आसपास भी नहीं आ सकते। तो अभी हम रुके हुए हैं धारचूला के बाद जो कोई छोटा सा गांव आता है वहाँ पे, एंड वहाँ पे हमने बाल बाल धोए अपने और अभी यहाँ खाएंगे समोसा क्योंकि और कुछ नहीं मिल रहा खाने को, और मोमो है, मोमोज भी 3 पीस है तो यहाँ पे भूख लगी थी, थोड़ा पानी वानी पिया है, समोसे खा के चाय वाय पी के फिर पिथौरागढ़ के लिए निकलेंगे। यार एक नया कुछ आया है बीकानेर का, पनीर भुजिया, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और मुझे लगा था ऐसे सॉल्टेड होगा पर ये तो मीठी है भाई। तो यहाँ से हम निकलते हैं, आप क्वार्टर दे दे, आप क्वार्टर दे दे तो भाई यहाँ से आप निकलते हैं, यहाँ से सीधा निकलेंगे पिथौरागढ़ के लिए। तो अब मैं मिलूंगा आपको सीधे अपने बाइक पे क्योंकि यहाँ बहुत शोर है और कुछ बोलने के लिए भी मेरे पास नहीं है, सीधे बाइक पे मिलते हैं। यार अब ये जो नदी है ये इंडिया का पार्ट हो गया, ये जो इस साइड वाले पहाड़ है ये भी इंडिया का पार्ट हो गया। तो अब ये जो पहाड़ है, मतलब उधर के पहाड़ देख लो, इधर के पहाड़ के देख लो, ये भाई भाई कर रहा था दोनों के पहाड़, ये दोनों पहाड़ इंडिया है। यार ब्रो इज़ रियली ब्रो, बोले तो BRO ने जो काम किया है वो आप देख लो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को तो यार दिल से सैल्यूट है भाई, क्या रोड बनाया है। लेकिन यही है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पहाड़ों की कटिंग होती है, पेड़ों की कटिंग होती है, हर चीज़ आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट जो कनेक्शन करा रहे हैं बॉर्डर एरिया से रेस्ट ऑफ द इंडिया का, अमेजिंग। और यार बॉर्डर एरिया आपको पता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही एनफोर्समेंट वहाँ पे तैनात करनी पड़ती है, तो ऐसे रोड्स पे ऐसी जगह पे रोड तो चाहिए यार एकदम,
बढ़िया रोड ताकि कभी भी कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो फटाफट वहाँ पे पहुँचाई जा सके। बाकी यहाँ से पिथौरागढ़ रह गया है अब 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर तो हम हैवी कर लेंगे मज़े मज़े में। उसके बाद का क्या करना है वो सबसे चैलेंजिंग और सोचने वाली बात है, लेकिन उसके लिए आप देखते रहे पूरी वीडियो, स्किप करके भाग मत जाना यार प्लीज़। इट्स अराउंड 12 hours 30 minutes फ्रॉम दिस प्लेस मेरा घर, एंड वी हैव जस्ट टेकन अ स्मॉल स्टॉप क्योंकि थोड़ा मेरा सर दर्द कर रहा है। मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद पहाड़ों पे बाइक चला रहा हूँ तो थोड़ा सा मोशन सिकनेस वापस से आ गया है। अगले बार से डायमॉक्स का यूज़ किया जाएगा, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बात नहीं है बाबू। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से पूरे नज़ारे एक नंबर है। देखो एक बारी रे 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 रोड देख लो यहाँ से यार पिथौरागढ़ है 26 किलोमीटर, और कहीं कहीं बीच बीच में रास्ते अच्छे आ रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा ऑफ रोड आ रहा है, कहीं कहीं कोई गांव आ रहा है। तो एक बारी पिथौरागढ़ में रुकेंगे और पेट्रोल डलवाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि आज दिन से तो कुछ ढंग का खाया भी नहीं है और खाना तो बाबू ज़रूरी है। वैसे थोड़े बहुत थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है तो फिर हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा और ज़्यादा सुरक्षा के साथ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि जिएंगे तब ना अगला राइड करेंगे। एक बार फिर से आपको पिथौरागढ़ दिखा रहा हूँ, पिछले बार भी हम आए थे यहाँ पे और पिछले बार तो बहुत ही ज़्यादा कांड हो गया था मेरा जो गियर लीवर था वो 3 नंबर पर अटक गया था, क्लच में प्रॉब्लम आ गई थी, तो बजाज सर्विस सेंटर हम गए थे एंड वहाँ पे जो भाई मिले थे उन्होंने कहा था अरे सर आपको तो हम जानते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं। तो एक बार फिर से उन यादों को ताज़ा करते हुए पिथौरागढ़ में वापस, और यहाँ पे थोड़ा यार कुछ स्टॉप वगैरह लेके कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि आपको पहले भी बताया था सुबह से कुछ ढंग का नहीं खाया। सो वी आर हियर एट रेड मानसरोवर रेड चिली इन पिथौरागढ़, और आज हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया है दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, बटर नान, पेल के खाएंगे भाई हम लोग। तो यार आपको लग रहा होगा कि अचानक खाते खाते ये हम कहाँ आ गए, तो मैं आपको पहले अपडेट दे दूँ। अपडेट ये है कि यार हमारा प्लान था कि हम टनकपुर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक जगह है घाट जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, रोड वगैरह बंद हो जाते हैं, 8 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं होता। तो हमने जहाँ हम खा रहे थे उसके जस्ट बगल में एक होटल था, होटल मल पैलेस, तो वहाँ पे हमने स्टे ले लिया। और ऐसे ही ऊपर आए थे चाय वाय पीने के लिए, तो यहाँ का भाई एम्बियंस तो अलग ही है। ये लड़का तो पागल हो गया, इसको मिल गया है भाई बॉक्सिंग, क्या कहते हैं इसको, बॉक्सिंग बैग। तो ये यहीं पर बॉक्सिंग किया जा रहा है, कैरम वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो अभी यहाँ पे चाय वाय पियेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कैरम खेलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अपना स्टे दिखाता हूँ। सो दिस इज आवर स्टे फॉर द डे गाइस, एंड ये रूम हमें मिला है करीब 800 रुपये का, 2 बेड अलग अलग हैं, और काफ़ी अच्छा है, वुडन फिनिशिंग है, तो स्टे काफ़ी अच्छा है और मेन रोड से काफ़ी कनेक्टिविटी सही है। बाइक भी हमारी पार्क्ड हो चुकी है अंदर, तो आज तो जैसा मैंने आपको बताया नहीं हो पाया, तो कल हम डायरेक्ट दिल्ली करेंगे और आपको दिखाएंगे, और थोड़ा बहुत कुछ बजट भी बता दूंगा आपको कि क्या क्या खर्चा हुआ है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है दोबारा मत कर लेना, अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है, बगल वाले घंटे का आइकन दबा दो, चेक कर लेना ऑल पे है कि नहीं, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले आपके फ़ोन पे, और ये सब फ्री है बाबू, करके जाया करो। तो मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन के साथ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।